हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल गुप्ता है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ हैक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे एक माइक्रोफोन जिसकी सहायता से आप अपने यूट्यूब के लिए भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एकदम अच्छा क्वालिटी का हम लोग माइक्रोफोन बनाएंगे। और इसको भी बनाने के लिए दोस्तों मैं ख़राब ईयरफोन का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये चारों तरफ से टूट चुका है, ये तार इसका अलग अलग हो चुका है। तो दोस्तों, इस माइक्रोफोन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस ईयरफोन का जहाँ बटन वाला होता है उसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से इसको खोल लेंगे, किसी चाकू के मदद से खोल लेंगे इसको और ये आराम से खुल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो माइक्रोफोन है वो दिखने लगा है। ये देखिए, इसके अंदर एक माइक्रोफोन होता है और एक स्विच होता है। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने माइक्रोफोन को निकाल लिया है। और निकालते वक्त दोस्तों इसके में का जो माइनस वाला तार होता है वो टूट चुका है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे तार फिर से सोल्डिंग कर लेंगे। और इसके में प्लस माइनस का तार है। तो अब दोस्तों, अब हम लोग इस पिन को भी निकाल लेते हैं बाहर इस तार में से, क्योंकि ये जो तार है वो एकदम ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, जब तक मैं इस पिन को निकाल रहा हूँ बाहर, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो ये देखिए, ये मैंने पिन को निकाल लिया है बाहर और इस तार को साइड में रख लेते हैं। और ये देखिए, मैं पिन को बाहर निकाल चुका हूँ। ये देखिए, अब बस दोस्तों इस ईयरफोन से हमें इन्हीं दो चीज़ का काम है और किसी चीज़ का काम नहीं है। और आप लोग इन्हीं दो चीज़ों से ही एकदम बेस्ट माइक्रोफोन बना सकते हो। तो दोस्तों, माइक्रोफोन बनाने से पहले एक नज़र इसके ऊपर डाल लीजिए। ये जो पिन का जो दोनों ऊपर वाला जो पिन होता है वो लेफ्ट राइट का होता है, और जो उसके नीचे होता है वो दोस्तों कॉमन होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो दोस्तों माइक का होता है। तो जो माइक वाला है दोस्तों, उस पर हम लोग माइक्रोफोन का प्लस वाला सोल्डिंग करेंगे और दोस्तों कॉमन वाले पे माइनस वाला तार को सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको तार सोल्डिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ये दो ठे तार ले रहा हूँ और मैं लंबा तार ले रहा हूँ, करीब एक मीटर का तार ले रहा हूँ। आप लोग कितना भी लंबा तार ले सकते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, कितना भी लंबा तार ले सकते हैं और कितना भी मोटा तार ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तार को हम लोग इस तरीके से, एक जो लाल वाला है उसको मैं प्लस और जो सफ़ेद वाला है उसको मैं माइनस करके यहाँ सोल्डिंग कर दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले चार्ट में आपको दिखा दिया था कि इसका जो माइक वाला है उसके में मैं प्लस वाला तार सोल्डिंग करूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैं लाल वाले तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दूँगा। तो चलिए इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस माइक्रोफोन को बनाने के लिए मैं सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तार को सोल्डिंग कर लिया है, मैंने प्लस वाला तार को सोल्डिंग कर लिया यहाँ पे। और उसके नीचे, जस्ट उसके जो नीचे वाला है उसके पे दोस्तों हम लोग माइनस वाला तार को सोल्डिंग करेंगे, यानी सफ़ेद वाले तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तार को सोल्डिंग कर लिया है। तो ये दोस्तों मेरा सोल्डिंग हो चुका है। मैंने कॉमन वाले पे माइनस वाला तार को सोल्डिंग किया है और जो माइक का था वहाँ मैंने प्लस वाला तार को सोल्डिंग कर लिया है। तो अब दोस्तों हम लोग इस तार को इस तरीके से मोड़ लेंगे, अच्छे से मोड़ लेंगे, जिससे कि थोड़ा मजबूत हो जाएगा तार। दोस्तों इस तरह अलग अलग रहता है तो मजबूत नहीं रहता है, टूट सकता है कभी भी। और इस तरीके से ये जो तार है वो मजबूत हो गया है। और अब दोस्तों, अब हम लोग इसका जो यहाँ पर माइक्रोफोन को सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस माइक्रोफोन में यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और उसके बगल में कुछ नहीं लिखा है, यानी वो माइनस है। तो इस तरह से हम लोग इसमें भी सोल्डिंग कर लेंगे, प्लस वाले में प्लस को और माइनस वाले में माइनस को सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सोल्डिंग कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सोल्डिंग हो चुका है, ये माइक्रोफोन मैंने सोल्डिंग कर लिया है। और अब दोस्तों, अब हम लोग इसके में एक, ये देखिए पेन का ढक्कन है दोस्तों, और मैं पेन का ढक्कन इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसके में हम लोग कॉलर वॉलर में लगा सकते हैं, इस तरीके से खोज सकते हैं, इसलिए मैं पेन का ढक्कन ले रहा हूँ। आप लोग किसी और भी चीज़ को यूज कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पेन के ऊपर इस तरह से छेद कर लिया है जिसमें हमारा माइक्रोफोन आराम से घुस जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम लोग तार को बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर दोस्तों हम लोग माइक्रोफोन को लगा देंगे ऊपर की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने माइक्रोफोन को ऊपर की ओर लगा लिया है और उसको ग्लू गन की सहायता से अच्छे से चिपका लिया है, जिससे कि वो बाहर गिरे ना या फिर कहीं हिले ना दोस्तों, नहीं तो हिलेगा तो दोस्तों उसके में खिरखिर का आवाज़ आएगा। और दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर सिल्व को लगा देंगे इस तरीके से, जो हमारा पिन है वो भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए यार, बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, वहाँ भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे माइक्रोफोन रेडी हो चुका है और जो मैंने यहाँ भी दोस्तों ग्लू गन लगा के अच्छे से चिपका लिया है, जिससे कि तार हमारा हिलेगा तो टूटेगा नहीं इधर उधर।
और दोस्तों इस ढक्कन के अंदर भी मैंने पूरा ग्लूगन से भर दिया है, जिससे कि तार हमारा बहुत मजबूत हो जाए और माइक्रोफोन के अंदर थोड़ा भी नॉइस ना जाए दोस्तों, इस तरीके से। और ये बहुत अच्छे से मजबूती से चिपक चुका है। तो दोस्तों हमारा माइक्रोफोन वो रेडी हो चुका है, लेकिन दोस्तों इसको और परफेक्ट बनाने के लिए हम इसके ऊपर कार्टन लगा देंगे, जिसकी सहायता से दोस्तों जो इको होगा वो भी एकदम कम हो जाएगा, बैकग्राउंड नॉइस को एकदम कम कर देगा दोस्तों इसकी वजह से, और अच्छा एक ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लोग लगा देंगे इस कॉटन को। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, इस तरह भी दोस्तों काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग रस्सी से लपेट देंगे चारों तरफ अच्छे से इसके ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर मैंने अच्छे से लपेट लिया है, और ये देखिए ये हमारा माइक्रोफोन रेडी हो चुका है, अच्छे से एकदम काम करने के लिए रेडी हो चुका है। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा से रिकॉर्डिंग होता है, तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों जो अभी आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं वो मैं इसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों इसी तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना साधन नहीं है। तो बस दोस्तों आप लोग ऑडियो इस तरह से सुन सकते हो, इसका ऑडियो बहुत अच्छा है क्वालिटी। पहले दोस्तों मैं बोया का माइक से यूज करता था और अभी इसी से यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग अंतर देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।